आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और कई दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई थिंक मे बी 10 दिन बाद। वीडियो बनाने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है बिकॉज़ वर्क लोड बहुत ज़्यादा रहता है। अब सारी कंट्रीज़ तो खुल गई हैं, ये सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है। अब कंट्रीज़ खुल गई हैं तो सब ट्रैवल वगैरह भी शुरू हो जाएगा और सब लोग घूमने तो जाएंगे ही, साथ में सब लोग काम करने के लिए भी जाएंगे और साथ में स्टडीज़ के लिए भी जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम करेंगे मलेशिया के बारे में कि मलेशिया क्या है, क्या कंट्री है, क्या विजिट टू वर्क है, एम्प्लॉयमेंट क्या है और क्या क्या होता है वहाँ पे। मलेशिया जो है एक बहुत ही अपने आप में अच्छी कंट्री है। अगर आप घूमना जाओ तो कई एजेंट्स वगैरह बोल देते हैं आपको कि आप विज़िट पे चले जाओ और एम्प्लॉयमेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। एक वर्ड और आता है कि आपका कार्ड बन जाएगा। एक चीज़ और आती है कि आपका आपको कोई परेशानी नहीं होगी और एम्प्लॉयमेंट ईजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यार, आप किसी की बातों में मत आओ, ठीक है। जो लोग सिस्टम नहीं चला सकते हैं वो किसी बंदे का साथ पकड़ के कि साथ उसको बिठा लेंगे, यार आप एक बार चेक कर लो कि मलेशिया में क्या क्या चीज़ चल रही है। गूगल पे आज की डेट में सारी चीज़ अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं है या वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको नहीं पता तो आप 2-3 लोगों से और पूछ लो, बट किसी के भी ना कहने पे मत आओ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पड़ोसी के कहने पे आ रहे हो या किसी और के कहने पे आ रहे हो, किसी की बात पे मत आओ और एजेंट्स की बात पे तो बिल्कुल भी मत आओ, ठीक है। मलेशिया में जो है विजिट टू वर्क पे एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट कभी नहीं होता है, ठीक है। मलेशिया में जो एम्प्लॉयमेंट वो मिलता है वो ज़्यादातर 3 साल का मिलता है। उसमें भी एक दिक्कत है कि वो 2 टाइप के एम्प्लॉयमेंट है। एक एम्प्लॉयमेंट है सस्ता, बहुत ज़्यादा चीप रेट का है, और एक एम्प्लॉयमेंट है बहुत महंगा, ठीक है। अब अगर जो महंगे की बात करें तो वो प्राइस तो आप खुद चेक कर लेना क्या है उसका। लेकिन जो सस्ता एम्प्लॉयमेंट है वो है फेल्डा टेक्नो कंपनी का। वो प्लांटेशन का वर्क होता है। उसमें मैं बता देता हूँ, मलेशिया में पाम ऑयल्स का बिज़नेस होता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका जो ऑयल निकलता है, उनके जो फल होते हैं उसका जो फ्रूट होता है उससे ऑयल निकलता है, तो उसको उन लोगों को भेज देते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो सस्ता है। एजेंट आपको बोल देगा कि हाँ आपको वर्क परमिट पे जा रहे हो, बट आपको भेजा उसी कंपनी में जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में उतार लो कि मलेशिया में कभी भी एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट नहीं होगा। आप 2 साल रहो, 3 साल रहो, 4 साल रहो, कितने भी साल रहो, एक बार जाने के बाद में एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट नहीं होता है। आपको कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो, लाइक स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, ठीक है। और अभी एक और स्कैम हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊं, बात भी करूंगा उनसे। इनफैक्ट वो अभी आए नहीं हैं क्योंकि अभी आई थिंक उन लोगों के रोज़े वगैरह चल रहे हैं। तो स्कैम ये था कि वीज़ा है, ठीक है, ऑनलाइन शो नहीं कर रहा, बट जो ऑफ़र लेटर है वो ऑनलाइन शो कर रहा है और वो वीज़ा भी फेक है। तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा कि उस चीज़ से भी कैसे बचा जाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो। वीडियो को मेरी लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यार बहुत टाइम लगता है मेहनत करने में थोड़ा सा वीडियो बनाने में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और आई थिंक मैं चाहता हूँ कि कोविड की 4th लहर ना आए, बट अपना आप मास्क लगा के रखो, ध्यान से रहो। बाय बाय, टेक केयर।